श्रीमद स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज ने जो बेलूर मठ में रहते हैं और हजारों हजारों भक्तों को दर्शन देकर उनको आशीर्वाद करते हैं, वे ही एक छोटे से गांव में, शोभा गांव दुर्मू ब्लॉक में, जिला रांची झारखंड का, जहाँ के गांव के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया, वहाँ पर स्वामी जी का आगमन, स्वामी जी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और चले हैं मंदिर की ओर। गांव वालों ने उनको पुष्प वर्षा करके स्वागत किया और फिर ठाकुर माँ स्वामी जी की चित्र को लेकर के साधुओं ने, जो कि पहले से पूजा होती रहती थी, उसको ले जाकर मंदिर की ओर रखा। पीछे पीछे सारे ग्रामवासी स्वामी जी के साथ आए। स्वामी जी ने फीता काट करके इसका उद्घाटन किया और फिर गर्भ मंदिर में प्रवेश करके माँ श्री रामकृष्ण और स्वामी जी को पुष्पांजलि दी और पुष्पांजलि देने के बाद आरती की। आरती के बाद स्वामी जी चले मंच की ओर, जहाँ बहुत से ग्रामवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और वहाँ पर मंच पर स्वागत किया वहाँ की कन्याओं ने। उसके बाद स्वामी जी का स्वागत किया गांववासियों की ओर से, गांववासियों ने स्वागत किया और फिर उस समय के तत्कालीन जो सचिव थे रामकृष्ण मिशन मोराबादी रांची के, उन्होंने भी स्वागत किया। और उसके उपरांत देखा जाता है कि महाराज के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। महाराज ने अपना आशीर्वचन कहा और आशीर्वचन करने के बाद स्वामी जी ने वहाँ से, गांव से विदा